नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। अपने मेन कलर से आप बॉर्डर की तरह ही एक फंदा सीधा बनाएं, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बॉर्डर की तरह आप बना लें। पहली लाइन में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लीजिए। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। अब हमने जिसे यहाँ पे देखिए, ये पहला फंदा उल्टा है, तो अब हम इसे सीधा बुनेंगे, यानी जो फंदा आगे से सीधा बुना गया है, पीछे से भी उसे सीधा ही बुना जाएगा, और ये सीधा है तो इसे उल्टा। जिस फंदे को आगे से सीधा बुना गया है, उसे पीछे से भी सीधा ही बुना जाएगा। ये फंदा देखिए सीधा है, यानी कि आगे से उल्टा बुना गया है, तो अब हम इसे पीछे से भी उल्टा ही बुनेंगे। थर्ड रो और सामने से दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदा सीधा बुनने के बाद चौथा फंदा स्लिप किया जा रहा है, फिर 3 फंदा सीधा। इसी तरह 3 फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और बैक साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर देंगे और बुना हुआ फंदा पीछे से उल्टा बुन लेंगे। इस प्रकार एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का 5th रो और फ्रंट साइड पहला फंदा, अब अपने पहले रंग के उनसे पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, फिर तीसरा फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस तरह एक फंदा सीधा बुनते हुए और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फंदा हमने स्लिप किया था वो फंदा सीधा बुना जाएगा। ये फंदा स्लिप किया गया था तो ये फंदा सीधा बुना जाएगा, अगला फंदा उल्टा, फिर ये बीच वाला फंदा सीधा, फिर उल्टा। इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो जो फंदा सामने से सीधा बुना गया है, उसे बैक साइड से भी उसे सीधा ही बुनेंगे। देखिए पहला फंदा सीधा है तो पीछे से भी ये सीधा ही बुना जाएगा, और देखिए ये फंदा उल्टा बुना गया है तो इस साइड से भी ये उल्टा ही बुना जाएगा। ये फंदा थर्ड फंदा है, सीधा बुना गया है तो इस साइड से भी ये सीधा ही बुना जाएगा। इस तरह जो फंदा फ्रंट से सीधा बुना गया है, उसे बैक से भी सीधा ही बुना जाएगा, और जो फ्रंट से उल्टा है, उसे बैक से भी उल्टा ही बुना जाएगा।
इस तरह एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, अब दूसरे रंग के ऊन से दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। यहाँ देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया था, तो ये फंदा उसके अगल बगल वाले दो फंदे, दोनों साइड वाले फंदे, तीनों फंदे इस लाइन में सीधे बुने जाएंगे, दूसरे रंग के ऊन से सीधे बुने जाएंगे। फिर ये तीन फंदा जो बुना गया था तो उसके बीच वाला फंदा स्लिप किया जाएगा। ये तीन फंदे सीधे और अगला फंदा स्लिप किया जाएगा। ये फंदा देखिए पिछली लाइन में हमने स्लिप किया था, तो ये फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे इस लाइन में सीधे बुने जाएंगे दूसरे रंग के ऊन से। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। नाइन्थ रो में फिर अपने प्राइमरी कलर से पहला फंदा सीधा, अगला फंदा उल्टा, यानी पहली लाइन यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगी। जो फंदा हमने स्लिप किया है वो सीधा बुना जाएगा और अगला फंदा उल्टा। देखिए ये फंदा स्लिप किया गया था, तो ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस तरह एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से जिस फंदे को सीधा बुना गया है उसे बैक साइड से भी सीधा ही बुना जाएगा, जिस फंदे को उल्टा बुना गया है उसे बैक से भी उल्टा बुना जाएगा। इस तरह यहाँ उल्टा है तो उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। बनाने में आसान है और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने बच्चे के स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।